बैंड बजा के रख दिए लाइफ की साला करुणा ने जिंदगी का फड़ा पाव बना कर रख दिया है। बस एक बार करुणा मेरे चाकू के नीचे आ जाए, ऐसे छोटे 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 टुकड़े करुणा की चीनी भी चिल्ला उठे। पापा को भी बोल रहा हूँ कि मुझे निकालो यहाँ से, लेकिन पापा है जो कुछ कर ही नहीं रहे। हेलो, हाय बेबी, कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ स्वीना, तुम कैसे हो? गुड। अच्छा सुनो, करो ना। कहाँ है? क्या हुआ बेबी? बेबी मुझे अभी ऐसा लगा कि तुमने कहा कि करो ना। अरे मैंने तो प्यार से बोला था करुणा, मतलब किस करुणा। चलो जल्दी से दो। अच्छा ये लो। बस थक जाओगे तुम। अच्छा सुनो, तुम घर से बाहर मत जाना, जहाँ हो वहीं रहना। इंडिया में तो आजकल रोज नए नए कांड हो रहे हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। सीरियसली अब इन ना समझो को कैसे समझाऊंगा? इनके समझ में नहीं आ रहा है कि अगर घर पे रहोगे तो ही सुरक्षित रहोगे, मगर नहीं, हमें बाहर जाना है, जॉगिंग करनी है, एक्सरसाइज करना है, ठंडी ठंडी हवा खाना है, फ्रेश हवा खाना है। और हमारे ये जो गांव वाले जो मजदूर हैं उन्हें गांव जाना है, बाबी के हाथ का लिट्टी चोखा खाना है। आर यू गाइस सीरियस यार? जान है तो जान है। बेबी अब मेरी पापा का फोन आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ओके ओके बाय बाय। हेलो पापा, पापा आप मुझे फोन ही करते रहोगे या मुझे इंदौर बुलाने का कोई रास्ता भी निकालोगे? पापा प्लीज कुछ करो ना, पक गया हूं मैं इन 20 दिनों के अंदर। मुझे प्लीज यहां से निकालो पापा, मुझे कुछ समझ में नहीं, वरना मर जाऊंगा मैं। पापा पापा आप जानते हो कि मैं मम्मा को कितना मिस कर रहा हूँ, बहन की भी बहुत याद आती है। पापा मैं आपके बिना नहीं रह सकता, प्लीज 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 पापा मुझे निकालो ना यहाँ से प्लीज। बेटा तेरा हो गया होगा तो मैं कुछ बोलूं? मैंने तेरा पास का जुगाड़ कर दिया ना। सीरियसली पापा? बस कुछ ही देर में तेरे पास पहुंच जाएगा। यस फटाफट पैकिंग कर और आज सुन, कार से निकलना संभल कर। ओके 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 बाय 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 बाय। मेरा पास आ गया। ओह माय डियर, आई एम कमिंग। मिस्टर विजय आप हैं? हाँ मैं हूँ विजय। ये आपके इंदौर जाने का पास। थैंक यू। माँ, अच्छा माँ सुन, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानती हूँ। पर एक बात बता विजय, आज जब पूरे देश के पूरी दुनिया के लोग जो भूख और प्यास से बिलख रहे हैं अपनी और अपने देश की सलामती के लिए, इस कोरोना वायरस से वहीं से लड़ रहे हैं जहाँ की वो हैं, जहाँ वो फंसे हुए हैं, तो तू इस वक्त इंदौर क्यों आना चाहता है बेटा? हाँ क्यों अपने माथे पर ये कलंक लगाना चाहता है? मैं देशभक्त बनूंगा, देश की सेवा करूंगा,
यही कहा करता था ना तू बचपन में। तो अब समय आ गया है देशभक्ति का बेटा। हम दोनों तुझसे हमेशा पूछा करते थे ना कि क्या किया तूने अपने देश के लिए। आज जवाब देने का समय आ गया है विजय। इसलिए अपने घर पर रहकर तू एक योद्धा, एक देशभक्त बन सकता है। अपने घर पर रहेगा तो सुरक्षित रहेगा बेटा। और अगर बेटा सुरक्षित रहेगा तो उसकी माँ भी चैन की सांस ले सकती है। बाकी तू समझदार है। रखती हूँ, टेक केयर, लव यू बेटा। हेलो। हाँ विजय। हाँ पापा। चपास मिल गया? हाँ पापा। बस फटाफट निकलो। सॉरी पापा, मैं नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मतलब? बेटा कितनी मुश्किल से बनवाया है पास, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कह रहा हूं कि ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। पापा आप हमेशा कहते थे कि जिस देश में मैंने जन्म लिया उस देश के लिए मैंने क्या किया है। आप सही बोलते थे, मैंने कुछ नहीं किया। मगर अब वक्त आ गया है अपनी देशभक्ति दिखाने का, अपना कर्तव्य निभाने का। आपका बेटा आएगा, जरूर आएगा, मगर देशद्रोहियों की तरह नहीं, एक देशभक्त की तरह, कोरोना पे विजय प्राप्त करने के बाद। जय हिंद बाबा। जय हिंद बेटा। सही वक्त पर सही फैसला लेकर विजय ने न सिर्फ अपने आप को सुरक्षित किया बल्कि अपने माँ बाप और छोटी बहन को भी सुरक्षित किया। और अब विजय जिंदगी भर अपने आप को एक योद्धा, एक देशभक्त बोल सकता है। लेकिन दोस्तों अब बारी आपकी है, एक योद्धा, एक देशभक्त बनने की। इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।